हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कंद पाठक पर। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को कि चेन्नई सुपर किंग ने कौन कौन से प्लेयरों को खरीदा और उनका कंप्लीट स्क्वाड बताने वाले हैं, सारे प्लेयर की बेस्ट प्राइस और कितने में उनको खरीदा गया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और अंत में आकर वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आपको बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने मैक्सिमम स्क्वाड अपना कंप्लीट किया है। 25 प्लेयर चाहिए थे तो उन्होंने 25 ही प्लेयर खरीदे। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सुरेश रैना को नहीं खरीदा है। इनके पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ का पर्स अभी भी रिमेनिंग है। इन्होंने 45.5 करोड़ ऑक्शन में खर्च किए जिसमें इनके पास 8 ओवरसीज प्लेयर और 7 इंडियन प्लेयर्स हैं। बात करें कौन कौन से प्लेयर्स को खरीदा, सबसे पहले डेविन कॉनवे 1 करोड़ की बेस प्राइस पर अपने नाम किया। इसके बाद शुभ्रांशु सेनापति को इन्होंने 20 लाख की बेस प्राइस पर अपने नाम किया। इसके बाद हरि निशांत को 20 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा एंड लास्ट रॉबिन उथप्पा को अपनी बेस प्राइस पर खरीदा। ये तो हो गए दोस्तों बल्लेबाजों के नाम। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ इनके पास पहले से ही अवेलेबल थे जिनको 6 करोड़ में रिटेन किया था। इसके बाद दोस्तों आपको बताया था कि विकेट कीपर ऑप्शन पर इन्होंने कौन कौन से दाव खेले। सबसे पहले दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी इनके रिटेंशन थे तो 12 करोड़ में उनको रिटेन किया था। इसके बाद एन जगदीशन को 20 लाख रुपए में खरीदा बेस प्राइस पर। इसके बाद अंबती रायडू को 6.75 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ऑलराउंडर्स में कौन कौन से प्लेयर को खरीदा। सबसे पहले रविंद्र जडेजा और मोइन अली को 16.0 करोड़ और 8.0 करोड़ में अपनी टीम में रिटेन किया था। इसके बाद शिवम दुबे को उन्होंने 4 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद क्रिस जॉर्डन को 3.60 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा। भगत वर्मा को इन्होंने 20 लाख रुपए में खरीदा है। मिचेल सैंटनर को ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए में खरीदा, अप्रॉक्स बताएं तो 1.90 करोड़ में खरीदा। इसके बाद ड्वेन ब्रावो को 4.40 करोड़ में इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और लास्ट ड्वेन पिटोरियस को 50 लाख रुपए में एक अच्छी बाय के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद दोस्तों बात करें बॉलर्स में इन्होंने कौन कौन से जो है बॉलर्स को खरीदा है, तो सबसे पहले महेश तिकासाना को इन्होंने खरीदा है 70 लाख की प्राइस पर जो कि श्रीलंका स्पिनर हैं। इसके बाद दोस्तों राजवर्धन हसरंगाकर को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया 1.5 करोड़ की प्राइस पर। सिमरनजीत सिंह को इन्होंने 20 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद एडम मिले एक बहुत अच्छी बाय की 1.90 करोड़ में। इसके बाद मुकेश चौधरी को 20 लाख की बेस प्राइस पर पिक किया। इसके बाद प्रशांत सोलंकी को 1.20 करोड़ में खरीदा। तुषार देशपांडे को 20 लाख रुपए में खरीदा एंड केएम आसिफ को 20 लाख रुपए में खरीदा एंड लास्ट दीपक चाहर को उन्होंने सबसे ज्यादा बोली देकर IPL ऑक्शन में फास्ट बॉलर का सबसे ज्यादा पैसे कमाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया जो कि 14 करोड़ में इनको अपनी टीम में खरीदा। सो गाइस यह थे चेन्नई सुपर किंग के खरीदे हुए सारे प्लेयर्स और उनकी प्राइस। अब आप बताइए इसमें 3 करोड़ रुपए इनके पास ऑलरेडी बचे हुए थे, 2 करोड़ में सुरेश रैना आ जाते, क्या इनको सुरेश रैना को खरीदना चाहिए था या फिर नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।